नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां हो गई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अयोध्या में राम कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले हर कोई राम के काज में लगा हुआ है। भक्त अयोध्या पहुंचकर अपनी श्रद्धा के अनुरूप ट्रस्ट भेंट कर रहे हैं। हर राम भक्त अपनी श्रद्धा के अनुरूप कुछ ना कुछ रामलला को दान भेंट करना चाह रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अयोध्या ना पहुंचकर भी अपने इलाके में ही राम भक्तों की सेवा करने को तैयार हैं। तो वहीं बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचकर राम भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। इसी क्रम में राम भक्तों की सेवा के लिए अमृतसर के भक्त भी आगे आ गए हैं। 14 जनवरी से 28 फरवरी तक दुर्गयाना मंदिर अयोध्या में लंगर सेवा देगा। इस लंगर के दौरान वहां से केवल चीनी, डेयरी, दूध और सब्जियां ही खरीदी जाएंगी। बाकी सारा सामान दुर्गयाना मंदिर ट्रस्ट अमृतसर से लेकर जाएगा। आइए आपको इस मंदिर के महासचिव अरुण खन्ना जी से मिलवाते हैं और सुनाते हैं कि वो इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे जी, हमारा जो 14 जनवरी से मकर संक्रांति से और 28 फरवरी तक जो लंगर की सेवा हमें श्री दुर्गयाना कमेटी को मिली है, उसमें लगने वाला सब सामान सिर्फ हम चीनी उधर से लेंगे, बेकरी का सामान, बिस्कुट वगैरह सब उधर से लेंगे, और हरी सब्जी जो है वो सब्जी मंडी से लेंगे। उसके अलावा जो जो भी सामान, दाल, चावल, आटा, जो भी घी, वो सब जो है, और सारा जो हमारा वहाँ प्रेपरेशन है देसी घी से बनने वाला है, तो देसी घी से ही लंगर बनेगा। और 4,000 से 5,000 तक जो है सब तीर्थ यात्रियों की सेवा हम करेंगे। और विशेषकर ये हमको संत महात्मा जो वहाँ पधारेंगे, माघी मेला भी है, तो उसकी उनकी सेवा भी विशेष रूप से श्री दुर्गयाना कमेटी को मिली है। ये हम ठाकुर जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। LED जो हमने 4 यहाँ से ली हैं कि भाई जो हमारे जो दुर्गयाना, क्योंकि ये जो सब इसके पीछे अब चले हैं, हम दुनिया से वहाँ पर आएंगे लोग श्रद्धालु, तो उनको दुर्गयाना कमेटी क्या क्या काम करती है, दुर्गयाना तीर्थ की क्या एक्टिविटी है, वो सब हम इसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे ताकि लोगों को जानकारी मिले कि दुर्गयाना तीर्थ भी अमृतसर में है। उन्होंने बताया कि जो भी लंगर बनेगा वो सब लंगर देसी घी से बनेगा और अमृतसर के लोग वहां जाकर 3,000 से 4,000 यात्रियों को सेवा देंगे। माघी उत्सव भी आ रहा है, इसमें जो भी साधु संत आएंगे उन्हें दुर्गयाना मंदिर कमेटी की ओर से विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा।